एक जिम्मेदार शहरी और नागरिक होने के नाते आप लोगों से भी अपील है और आपके बहुत सारे अनियंत्रित साथियों से भी मेरी अपील है कि वो बिना सोचे विचारे इसको आगे फैलाए ना, क्योंकि आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोधारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ रहा है, पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी, आप बचे रहें इसलिए मैं सुझाव देता हूँ, आप करोगे तो धमकी है मैं छोड़ूंगा नहीं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, सोशल मीडिया पर आज डीएम साहब का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल है। ये डीएम साहब गाजियाबाद के हैं और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि डीएम साहब पत्रकार बंधुओं से जो है बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है कहा जा रहा है इसको शेयर करके कि भैया इसमें जो है वो धमकियां दे रहे हैं, खुलेआम धमकी कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ कहे तो आपको जो है कुछ कुछ करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ फौरन जो है इसको लेकर तहलका मच गया और इस वीडियो को शेयर किया है यूपी कांग्रेस ने। यूपी कांग्रेस ने इसे शेयर करते हुए लिखा, सरकार के खिलाफ अगर पत्रकारिता करोगे तो मरोगे, ये सुझाव के साथ साथ आप सभी के लिए धमकी भी है। गाजियाबाद के डीएम साहब की हनक सर चढ़कर बोल रही है, किस तरह से पत्रकार बंधुओं को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। अब डीएम साहब देश में बोलने और सवाल पूछने का भी अधिकार पत्रकारों से छीनेंगे। एक जिम्मेदार शहरी और नागरिक होने के नाते आप लोगों से भी अपील है और आपके बहुत सारे अनियंत्रित साथियों से भी मेरी अपील है कि वो बिना सोचे विचारे इसको आगे फैलाए ना, क्योंकि आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोधारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ रहा है, पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी, आप बचे रहें इसलिए मैं सुझाव देता हूं, आप करोगे तो धमकी है मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वीडियो एक छोटी सी क्लिप है जिसमें जो है साफ तौर पर जिलाधिकारी को आपने सुना कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद गाजियाबाद के डीएम इंद्र विक्रम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अब चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर यूजर्स उनका वीडियो शेयर कर तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं। इस वीडियो में मीडिया कर्मियों से डीएम इंद्र विक्रम सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि एक जिम्मेदार और शहरी नागरिक होने के नाते आप लोगों से अपील है और आपके बहुत सारे अनियंत्रित साथियों से भी अपील है कि वो बिना सोचे विचारे झूठी सूचनाओं को आगे नहीं फैलाएं, क्योंकि आपके हाथ में दो धारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी, आप बचे रहो इसीलिए मैं सुझाव दे रहा हूं, और आप अगर करोगे तो धमकी है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप अगर पकड़ में आ जाओगे तो कार्रवाई हो जाएगी आपसे, मतलब आपके अनियंत्रित साथियों से, अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं तो संभल जाइए। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस छोटे से क्लिप के बारे में भी हमें जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार इसकी सत्यता क्या है, क्या आगे क्या कुछ बोला गया और इसके पीछे क्या कुछ बोला गया। तो सुनिए जरा ओरिजिनल वीडियो जो गाजियाबाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पत्रकार बंधु बैठे हुए थे, तो पूरी बात जो जिलाधिकारी ने कही थी वो ये कही थी। एक बात ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया में डाली गई कोई भी चीज़ आप सोचो कि अब ये हमारे रडार में नहीं है तो आप चूक करेंगे, क्योंकि न केवल आप क्रिमिनल एक्ट कर रहे होंगे बल्कि आप हरदम के लिए बैन हो जाएंगे, जो दंड मिलेगा वो अलग है। और ये किया जा चुका है चंदौली के केस में और कहीं दूसरी जगह के केस में, गलत खबर प्रकाशित किया सोशल मीडिया में ईवीएम को लेकर और उनको लेकर क्रिमिनल मुकदमा हो गया। और मैं आपको बता दूँ इसके लिए स्टेट नोडल ऑफिसर की तैनाती पुलिस के द्वारा जा चुकी है, जो आपके कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए, डिलीट करने के लिए संज्ञान लेकर जिस भी आपके प्लेटफॉर्म में ये है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जिस पे भी है, तो वो सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से बैन तो होगी होगी, आपका पर्पज डिफीट करेगा, उसका खंडन आएगा, लेकिन इतना काफ़ी नहीं कि आपने एक शैतानी कर दी और निकल गए, उसको लेकर क्रिमिनल कार्रवाई भी हो जाएगी। तो ये नया एक बात है जो समझने की ज़रूरत है। दूसरे, हम और आप कई बार असावधानी पूर्वक जो सामग्री आती है उसको आगे परोस देते हैं, आपको आया आपने उसको आगे भेज दिया। एक जिम्मेदार शहरी और नागरिक होने के नाते आप लोगों से भी अपील है और आपके बहुत सारे अनियंत्रित साथियों से भी मेरी अपील है कि वो बिना सोचे विचारे इसको आगे फैलाए ना, क्योंकि आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोधारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ रहा है, पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी, आप बचे रहें इसलिए मैं सुझाव देता हूं, आप करोगे तो धमकी है मैं छोड़ूंगा नहीं, आप पकड़ में आओगे तो कार्रवाई हो जाएगी। आपका मतलब जो आपके ऐसे लापरवाह साथी हैं, अगर आप उनमें से हैं तो अपने को भी उसमें शामिल कर लें, नहीं है तो कोई बात नहीं।
तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि डीएम महोदय यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई फेक न्यूज़ या इस प्रकार की न्यूज़ जो कि सत्यापित नहीं है और उसे अगर जो है उसे उस कंटेंट को चलाया जाएगा या जो उन अनियंत्रित चैनलों के बारे में उन साथियों के बारे में जो है बातचीत की गई है जो बिना किसी पुष्टि के उस खबर को चलाते हैं तो उन्हें जो है छोड़ने की बात जो है यहाँ पर नहीं की जा रही। तो जिलाधिकारी साफ तौर पर इस मामले में फेक न्यूज़ और उससे संबंधित न्यूज़ को लेकर जो है यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर यूपी कांग्रेस ने ये जो है तथ्य वायरल किया। हालांकि आपको बता दें कि अफसर इंद्र विक्रम सिंह ने जून 2022 में गाजियाबाद के डीएम पद का जो है पदभार संभाला था। फतेहपुर के रहने वाले इंद्र विक्रम सिंह को पीसीएस पास करने के बाद पहली पोस्टिंग अलीगढ़ में मिली थी। साल 2011 में उनको बताया जाता है कि अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी में सचिव के पद पर तैनाती मिली। उन्हें पीसीएस से आईएएस में प्रमोट कर दिया गया था। वो बलिया और शामली के भी डीएम रहे। इंद्र विक्रम सिंह अपने सख्त स्वभाव की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो जब से वायरल हुआ फौरन जो है इनके बारे में चर्चा शुरू हो गई थी और लोग जो है इन पर चर्चा कर रहे थे कि बताइए पत्रकार बंधुओं को जो है धमकी दी जा रही है कि अब खबर ऐसे फैलानी है ऐसे नहीं फैलानी है। तो सोशल मीडिया पर तमाम तथ्यों की सच्चाई आपने जान ली। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वायरल है एक और मामला जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा की जा रही है। अखिलेश यादव ने खुद इस वीडियो को शेयर कर लिखा, भाजपाई शासन का अहंकार धीरे धीरे प्रशासन पर भी आने लगा है। पहले भी एक सिपाही ने लोगों की हत्या की थी और आज फिर झूठे एनकाउंटर करवाने वाली भाजपाई सरकार ने पुलिस व्यवस्था तक में कुछ लोगों को हिंसक बना दिया है। मृतक शिक्षक के परिजनों को 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और आरोपी पुलिस वाले को भी उसके किए की सजा। उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षा मंत्री हो तो वो भी जागे। तो वीडियो जो है आप देख सकते हैं, ये प्रदर्शन का वीडियो। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है मुजफ्फरनगर का है, जहां पर यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी को लेकर एक टीम मुजफ्फरनगर पहुंची थी। टीम के साथ एक पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद थे। आरोप है कि कांस्टेबल ने जरा सी बात पर टीम के साथ आए एक शिक्षक को गोली से मार डाला। मामले की सूचना जैसे पुलिस को मिली, मौके पर पुलिस पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, मगर डॉक्टरों ने शिक्षक को मृतक घोषित कर दिया। इस पूरे मामले पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने बकायदा सोशल मीडिया पर यह बयान भी जारी किया एसएसपी का, जिसमें वो कहते नजर आए। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन में 17/18 की रात्रि को एक सूचना आई कि एक अध्यापक धर्मेंद्र कुमार की गोली मारकर एक हेड कांस्टेबल चंद्रप्रकाश यादव ने हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया। मैं भी मौके पर गया, वहाँ पर लोगों से जो पूछताछ की गई और चश्मदीदों से पूछताछ की गई तो यह संज्ञान में आया कि वाराणसी से यूपी बोर्ड की कॉपियां लेकर दो अध्यापक धर्मेंद्र कुमार जो मृतक हैं और संतोष, ये लोग वहां से चले थे, जिनके साथ दो चतुर्श्रेणी कर्मचारी और दो पुलिस की गार्ड में उप निरीक्षक और एक हेड कांस्टेबल चंद्रप्रकाश यादव भी थे उसमें जो साथ में थे। जब लोग यहां पहुंचे तो यहां पर किसी बात को लेकर जब जो मृतक धर्मेंद्र कुमार हैं उन्होंने मना किया हेड कांस्टेबल चंद्रप्रकाश यादव को, तो चंद्रप्रकाश यादव ने अपनी सरकारी कार्बाइन से उन पर फायर कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजन यहां पर आ गए हैं, उनके द्वारा तहरीर दी गई है जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर हेड कांस्टेबल चंद्रप्रकाश यादव के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा अभी भरवाया जाएगा और डीएम साहब के परमिशन से अभी रात्रि में ही पैनल ऑफ डॉक्टर्स और वीडियोग्राफी के साथ ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। किन-किन धाराओं में मुकदमा दर्ज है? इसमें 302 मर्डर की धारा और एसएससी एक्ट लगाया जाएगा। कैसे सिपाही भी गिरफ्तार हुए? हाँ, इसमें सिपाही गिरफ्तार है, जिस कार्रवाई से फायर हुआ था वो भी सीज कर ली गई है। एफएसए हमारी फील्ड यूनिट ने पूरे घटनास्थल का परीक्षण कर लिया गया, जो मौके पर खोखे बरामद हुए हैं इन सब चीजों की बैलिस्टिक रिपोर्ट से जांच कराई जाएगी। सर, आरोपी सिपाही ने क्या बताया है? देखिए, जो उसमें ऑल्टरकेशन की बात अभी तक सामने आई है कि वो बार बार कहते हैं इनएब्रेटेड स्टेट में था और उसने वो सुरतू की मांग कर रहा था और सोने नहीं दे रहा था किसी को। जब सहायक अध्यापक ने इसका विरोध किया तो उसने उनसे बदतमीजी की और उनकी अपने सरकारी अस्तर से गोली मार कर हत्या कर दी। सर, गाड़ी में उत्तर पुस्तिक हाँ देखिए, जैसे ही एफआईआर लिख जाएगी तो जो भी हमारा माल सीजर होना है माल मुकदमाती के हिसाब से, फिर उसके अलावा इसे परमिशंस करके जो मुकदमे संबंधित माल नहीं है उसका हम रिलीज कर देंगे। तो पूरा मामला ऐसा था जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जो है चर्चा की जा रही है। उसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुनिए कि अब यूपी से जुड़ी तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं यूपी तक की वेबसाइट पर, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।